आज हम आए हैं प्राचीन हनुमान मंदिर जो कि दिल्ली के दिल कैनॉट प्लेस में स्थापित है। आपको बता दें कि दिल्ली का ऐतिहासिक नाम इंद्रप्रस्थ है जो कि पांडवों के द्वारा यमुना नदी के किनारे बसाया गया था। उस समय पांडवों ने दिल्ली में 5 मंदिरों की स्थापना की थी जिनमें से एक मंदिर यह हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। जब तुलसीदास जी दिल्ली आए तो उन्हें इसी मंदिर में हनुमान जी के बाल स्वरूप के दर्शन हुए और आपको बता दें कि यही वो मंदिर है जहां पे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। जब ये बात अकबर को पता चली तो उन्होंने तुलसीदास जी को बुलाया और कोई चमत्कार दिखाने का निवेदन किया। तब तुलसीदास जी ने हनुमान जी की कृपा से अकबर को संतुष्ट किया और अकबर ने खुश होकर इस मंदिर के शिखर पर इस्लामिक चंद्रमा समर्पित किया और इसी कारण से कभी भी किसी भी मुसलमान आक्रमणकारी ने इस मंदिर पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की। आपको बता दें कि इस मंदिर में 24 घंटे श्री राम जय राम जी के मंत्र का जप होता है और 1964 से लेकर अभी तक इस मंत्र का जप इस मंदिर में हो रहा है और इसी वजह से इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है।